हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो अभी तक जो है हम लोगों ने हर कुछ एक चीज़ देख ली है जो भी हमें रिक्वायर्ड थी एक अच्छे से डेटाबेस अपने जो है हाइबरनेट प्रोग्राम को बनाने के लिए। हम लोगों ने समझ लिया कि हमें मेवन की ज़रूरत क्यों होती है, भाई प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना रहे और जो है हमारा जो है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए, ठीक है। और जो हमारा जो मेवन क्या काम कर सकता है, डिप्लॉयमेंट, पैकेजिंग, वैलिडेटिंग द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, कंपाइलिंग द प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने समझ लिया भैया मेवन क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि भैया हाइबरनेट का जो है हमारा जो है प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है मेवन के थ्रू। हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, उसमें कन्फिग्रेशन कैसे होती है हम लोगों ने वो भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि हाइबरनेट का हम लोग जो है पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसमें देखा कि कैसे क्या लिखनी होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब आज की वीडियो में हम लोग एक अच्छा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे जिसमें हमारा डेटा जो होगा वो हम लोग इंसर्ट करा के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में। तो देखो ये हमारी थी हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी होती हैं जो हमें ऐड करनी होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, तो देखो यहाँ पर वो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, जैसे कि लेट सपोज़ हमारी वो प्रॉपर्टी होगा ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका यूज़ ये होता है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्रिएट, मतलब तुम जब भी प्रोग्राम चलाओगे तुम्हारा जो है डेटाबेस में टेबल हर बार क्रिएट होगी, ठीक है। टू क्रिएट द टेबल ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ हमारी ये हो गई। दूसरी चीज़ होती है हमारी कि हमको पता है कि हाइबरनेट जो है क्वेरी खुद ही लिखता है, हम लोगों को क्वेरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि हम जब भी अपना प्रोग्राम चलाएं तो हाइबरनेट कौन सी क्वेरी यूज़ कर रहा है, किस क्वेरी को उसने लिखा है, उस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। टू शो द क्वेरी फायर्ड बाय हाइबरनेट, ठीक है, ये हम लोग उसके लिए लिखते हैं। अब लेट सपोज़ हम लोग जल्दी से यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लास बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बना लेते हैं, स्टूडेंट क्लास बना लेते हैं। तो प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, यहाँ पर स्टूडेंट क्लास बनानी है। तो यहाँ पर आएंगे, ये देखो क्लास है, हमने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब उसके बाद हम वो सारे एनोटेशंस यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पढ़े थे, जैसे कि सबसे पहले ऐट द रेट एंटिटी, ठीक है। अब हमने यूज़ करा यहाँ पर ऐट द रेट एंटिटी, ठीक है। तो ये टेबल हमारी जो है अब कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो हमारी क्लास है ये हमारी टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट करवा देगा हमारा हाइबरनेट अकॉर्डिंग टू दिस क्लास, जो भी हम इस क्लास में डालेंगे। अब हमने इसमें सबसे पहले डाल दिया INT ID, उसके बाद हमने डाल दिया स्ट्रिंग नेम, ठीक है। उसके बाद हमने डाल दिया मान लो डबल सैलरी, ठीक है। और उसके बाद हमने डाल दिया स्ट्रिंग सिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डाल दी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो है तुम्हारा कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या बना लेंगे, कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे, सोर्स पे जाएंगे और यहाँ लिखा होगा जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, इस पर सेलेक्ट ऑल होगा, ऑलरेडी नहीं होगा तो सेलेक्ट ऑल कर देना, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, जनरेट कर देना, तो ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी ऐसे इस तरीके से क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद लेट सपोज़ तुम्हें यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड और बना लो, उसकी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, या गेटर सेटर मेथड्स बना लो। गेटर सेटर मेथड चलो तुम भले ना बनाओ, टू स्ट्रिंग मेथड बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर सोर्स पे जाओ और ये टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। तो ये तुम्हारा टू स्ट्रिंग मेथड हो गया। अब तुमने ऐट द रेट एंटिटी देख लिया, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी हम सबसे पहले इतना ही प्रोग्राम चला के देखेंगे और ये देखेंगे कि हमारी टेबल क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम लोग जो है सबसे पहले इतना प्रोग्राम चला के देखते हैं और देखते हैं इतने प्रोग्राम से क्या होता है। तो तुम देख सकते हो अभी यहाँ पर टेबल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है, अभी टेबल क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर आओगे और हाइबरनेट देखो, टेबल अभी क्रिएट नहीं हुई है। टेबल अभी क्रिएट इसलिए नहीं हुई है क्योंकि तुमने जो है अभी स्टूडेंट टेबल को यूज़ में भी नहीं लिया है। और दूसरी चीज़, उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, तुमको यहाँ पर ऐट द रेट ID भी डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हर एक टेबल के पास प्राइमरी की तो होती ही होती है, ठीक है। तो तुमने ऐट द रेट ID लगा दिया, ठीक है। अभी अगर तुम दोबारा रन करके चेक करते हैं क्या होता है, कुछ होता है क्या, तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे तो टेबल क्रिएट नहीं हुई है,
ठीक है। तो अब हम एक बार यहाँ पर जो है जनरेटेड वैल्यू एक बार लगा के देख लेते हैं, ठीक है, एट द रेट जनरेटेड वैल्यू, और यहाँ लिख देते हैं स्ट्रेटजी। इसके बारे में हम तुमको बताएंगे बाद में क्या होता है, जनरेशन टाइप डॉट ऑटो, ठीक है। और इसको एक बार अब हम दोबारा रन करके देखते हैं। अच्छा ये फाइल होगी रन, इस फाइल को हम दोबारा रन करके देखते हैं जावा एप्लीकेशन। तो अभी भी तुम्हारी टेबल क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है, तो एक बार देखते हैं, चेक करते हैं, अभी टेबल क्रिएट नहीं हुई है तो ठीक है, चलो छोड़ो। अब हम जो है क्या करते हैं, सीधा हम लोग जो है अब यहाँ पर एक काम करते हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट लेट सपोज, ठीक है। तो ये हमने इधर ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये बोल रहा है कि यहीं पर ही वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर में सेट कर दो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया है आर्ग्यूमेंट वाला, बिना आर्ग्यूमेंट का कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने नहीं बनाया है। तो ऐसा हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम ना हो तो एक हम लोग यहाँ पर एक बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर ही बना लेते हैं, इनकेस अगर हम लोगों को कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू नहीं सेट करनी है ना, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, उधर से एरर चली गई होगी हमारी, ठीक है। उससे भी पहले हम लोग यहाँ पर क्या काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सेशन फैक्ट्री डॉट सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, ये वाला मेथड सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, ठीक है। अब यहाँ से तुमको ओपन सेशन करके आ चुका होगा मेथड, ये तुम्हारा रेफरेंस वेरिएबल, सॉरी, ओपन सेशन डॉट बिगन ट्रांजैक्शन फिर तुमको लिख देना है, ठीक है। तो तुम्हारी ट्रांजैक्शन बिगन हो जाएगी, इसको छोटा वेरिएबल नाम दे दो इसका TXN, ठीक है, तुमने TXN दे दिया। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, स्टूडेंट की एक एक वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास गेटर सेटर मेथड नहीं है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर गेटर सेटर मेथड ही बना लेते हैं, ताकि हम लोग जो है वैल्यूज़ गेट और सेट कर पाएँ, ठीक है। सेलेक्ट ऑल किया और इधर यहाँ पर गेटर सेटर मेथड सारे आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट सेट आई डी, तो हमने डाल दिया 101, स्टूडेंट डॉट सेट नेम हमने डाल दिया राम, स्टूडेंट डॉट सेट सिटी हमने डाल दिया कानपुर, स्टूडेंट डॉट सेट सैलरी हमने डाल दिया लेट सपोज 1,00,000 रुपये। अब उसके बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमें सिंपली इसको हाइबरनेट को दे देना है। हाइबरनेट क्या करेगा, टेबल भी ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा और डेटा भी ऑटोमेटिक सेट कर देगा, कोई क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अब वो ऑब्जेक्ट देंगे कैसे, तो हम लोग लिखेंगे ओपन सेशन डॉट सेव, ठीक है। लेकिन ये ओपन सेशन काफ़ी बड़ा वेरिएबल है, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे SSN, ठीक है, ताकि ये छोटा मतलब बार बार इतना बड़ा नाम ना लिखना पड़े, ठीक है, सेशन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेव ऑब्जेक्ट SSN डॉट सेव, और यहाँ स्टूडेंट हमने दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, तो ये क्या बोल रहा है, द मेथड सेव ऑब्जेक्ट अप्रिसिएटेड, ओके, ठीक है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुको जरा, सेव ऑब्जेक्ट सेव और अपडेट, ठीक है, चलो सेव और सेव ही कॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट हमने लिखा ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको चला के देखेंगे, देखते हैं क्या होता है, एरर आती है क्या आता है, जो भी आएगा हम लोग देख लेंगे। तो एरर आ गई, ठीक है, अनेबल टू लोकेट परसिस्टर द कोडर स्टीव डॉट हाइबरनेट डॉट स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर एक चीज़ अभी और प्रॉपर्टी होगी जो हम लोगों को अभी लगाना बाकी है, वो हम लोगों ने अभी नहीं लगाई है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है तुम्हारी मैपिंग, ठीक है। तो वो हो गई तुम्हारी ये मैपिंग। तो अब यहाँ पर पैकेज का नाम तुम्हें अपना देना है, हमने क्या लिखना है यहाँ पर, कॉम डॉट द कोडर्स टी वी, द कोडर्स टी वी डॉट हाइबरनेट डॉट स्टूडेंट। तो इससे पता चल जाएगा हाइबरनेट को कि उसको क्या करना है, ये टेबल जो है उसको स्टोर करवानी है डेटाबेस में, ठीक है। अब अगर तुम दोबारा रन करते हो तो देखो क्या होता है, क्या कोई एरर आती है या फिर प्रोग्राम वहाँ सक्सेसफुली चल जाता है।
तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी क्वेरीज यहाँ पर रन हो गई हैं। सबसे पहले हाइबरनेट ने चेक किया है ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट स्टूडेंट। तो ये क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने हर बार क्या लिखा हुआ है क्रिएट, मतलब अगर तुम्हारी टेबल क्रिएटेड भी हो गई ऑलरेडी डेटाबेस में तो वो हर बार टेबल को ड्रॉप करके क्रिएट करेगा, समझ रहे हो। और अगर इसको हम यहाँ पर अपडेट लिख दें इस जगह, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ तुम्हारी एग्जिस्टिंग टेबल में अपडेट करेगा चीज़ें। इसका मतलब ये होता है कि वो हर बार टेबल क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद तुम देख सकते हो कि हाइबरनेट ने क्वेरी रन करी है टेबल क्रिएट करने के लिए। JDBC में ये क्वेरी हम लोग अपनी तरफ से रन करते थे, यहाँ पर हमारे हाइबरनेट भैया काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हैं, उन्होंने ये काम खुद ही कर दिया। उसके बाद हाइबरनेट ने स्टूडेंट टेबल भी ऑटोमेटिक खुद ही क्रिएट कर दी, तुम देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद उसने जो है क्वेरी डेटा तुम्हारा इंसर्ट भी कर दिया, ठीक है। तो हाइबरनेट देखो कितना स्मार्ट है। अब तुम अगर चेक करके देखोगे तो तुम्हारी टेबल यहाँ क्रिएट हो चुकी है। तुम देखो इसको वो करके देखो सेलेक्ट रोज, तो तुम्हारा यहाँ पर डेटा भी आ चुका है और जनरेटेड वैल्यू क्या आई है 1। अब तुम एक चीज़ नोटिस करो, तुमने तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी सेट कर रखी थी 101, ठीक है, लेकिन आई है 1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्टूडेंट टेबल पे तुमने बोल रखा है जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी इक्वल्स टू जनरेशन टाइप डॉट ऑटो, मतलब वो तुम्हारी वैल्यू नहीं लेगा डेटाबेस, वो ऑटोमेटिकली अपने आप वैल्यू सेव कराएगा, ठीक है। लेट सपोज अभी क्या करते हैं हम, ये इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, और अब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो क्या होगा, हमारी फिर से टेबल वैल्यू डिलीट हो जाएगी और फिर से ऑटोमेटिक पूरी टेबल क्रिएट होगी विद नए डेटा के साथ, ठीक है। तो अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं तो देखो क्या होगा, ठीक है, सब कुछ हमारा चल गया। अब तुम अगर इसको रिफ्रेश करके देखोगे तो क्या आएगा, 101 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब उसने तुम्हारी दी हुई आईडी ली है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको यहाँ पर बोला नहीं गया था कि भाई ऑटो इंक्रीमेंट वाला ये अलग कॉलम है, उसको सिर्फ इतना पता है कि ये प्राइमरी की कॉलम है। अगर इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हो, मतलब तुम्हारी जो वैल्यू पड़ेगी इस कॉलम में वो ऑटोमेटिकली आती चली जाएगी, ठीक है। तो अब तुम्हें इसका मतलब स्टूडेंट की आईडी सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब लेट सपोज़ ये तो तुम्हारा जो है एक ऑब्जेक्ट हो गया, तुम चाहते हो कि हम और भी डेटा इंसर्ट करें, ठीक है, तुम चाहते हो कि हम और भी डेटा इंसर्ट करें, तो कैसे करोगे, तो तुमको कुछ नहीं करना है, एक ऑब्जेक्ट खाली और क्रिएट कर देना है, स्टूडेंट 1, ठीक है, या स्टूडेंट 2 इसका नाम दे दो। अब यहाँ पर क्या नाम दे दो, श्याम दे दो, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दो, दिल्ली कर दो, सैलरी कुछ और दे दो, ठीक है, ऐसे कुछ दे दिया। उसके बाद तुमने क्या किया, इस स्टूडेंट को भी सेव कर दिया, ठीक है। अब अगर तुम चलाओगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो तुम देखोगे यहाँ पर क्वेरी तुम्हारी रन होंगी और तुम्हारा देखो दोनों टेबल में जो है इंसर्ट हो जाएगा तुम्हारा डेटा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ तुम ये नोटिस करोगे यहाँ पर, एक सेकंड, स्टूडेंट 2, ओके, स्टूडेंट 2 का ऑब्जेक्ट लेना था ना हमें, हाँ, तो स्टूडेंट 1 के ऑब्जेक्ट में हमने वापस सेट कर दिया, ये गलती कर दी थी। तो अभी हम इसको दोबारा रन करते हैं तो देखो क्या होता है, अभी हमने इसको दोबारा रन किया और अगर फिर से इसको रिफ़्रेश किया तो क्या हुआ, तुमने देखो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर हमारी आ गई हैं, ठीक है, हमारी जो है दोनों वैल्यूज़ इधर आ चुकी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड्स जो है इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, अभी हम चाहते हैं कि हमारी टेबल का जो नाम है वो स्टूडेंट ना रहे, वो स्टूडेंट टेबल रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल लगाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट टेबल, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो आईडी है इसका नाम आईडी ना हो, स्टूडेंट आईडी हो, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट आईडी, ठीक है। नेम को हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर इसका नाम स्टूडेंट नेम हो, नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सैलरी को चाहते हैं कि भाई इसका नाम जो है स्टूडेंट सैलरी हो, ठीक है, नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट सैलरी। इसी तरीके से हम सिटी का चाहते हैं कि सिटी क्या हो, यहाँ पर नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट सिटी, ठीक है, ठीक है। तो तुम लोगों को ये समझ में आ गया कि हम लोग किस तरीके से कॉलम का यूज़ करते हैं। तो अभी क्या होगा,
अभी तुम देखोगे यहाँ पर जब हम प्रोग्राम द्वारा चलाएंगे तो हमारी प्रॉपर्टी अभी क्या लगी हुई है यहाँ पर, क्रिएट लगी है। तो मतलब पूरी टेबल को वो हर बार डिलीट करेगा, मतलब डिलीट कर ही रहा था अभी तक, हम लोगों ने जो भी यहाँ करा अभी तक वो टेबल को डिलीट करके ही बना रहा था। तो अभी अगर हम इसको रन करते हैं दोबारा तो हमारी टेबल जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब तुम अगर यहाँ पर देखोगे इसको, तो तुम यहाँ देखो रिफ़्रेश करते हैं अभी, तो यहाँ पर स्टूडेंट टेबल आ गई है, ठीक है। ये पुरानी टेबल है, इसको हम उड़ा देंगे, ये हमारी स्टूडेंट टेबल है। अब इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो तुम देखो यहाँ पर सारे कॉलम के नाम वही आए हैं जो तुमने उधर से दिए थे, ठीक है। स्टूडेंट सैलरी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट सिटी, स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारी भी कवर हो गई एक और। अब इसमें एक चीज़ तुमको ये दिखाते हैं कि लेट सपोज स्टूडेंट सैलरी जो है वो नॉट नलेबल है, ठीक है। क्या है वो? नॉट नलेबल, मतलब नल इसको तुम नहीं रख सकते, तुम्हें इसमें वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, नलेबल, ठीक है। तो ये कैसे डालते हैं, नलेबल इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। मतलब ये फॉल्स है, सॉरी नलेबल इक्वल्स टू ट्रू, इसका मतलब होता है कि नल हो सकता है ना, तो हमें तो मना करना है, नलेबल नहीं करना, नलेबल इक्वल्स टू फॉल्स। तो अब क्या होगा कि लेट सपोज अगर तुम सैलरी नहीं डालोगे ना स्टूडेंट की, तो ये एरर दे देगा, कह देगा कि वो ज़रूरी है डालना, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम रन करते हैं तो तुम देखना क्या होता है। क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। अच्छा, तो हम लोग ने गलती ये कर दी, नलेबल इक्वल्स टू ट्रू होता है, इसका मतलब ये कि हम चाहते हैं कि इसमें नॉट नल हो ये कॉलम, मतलब इसमें एंट्री करना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, खाली नहीं छोड़ सकते। तो अभी इसको हम रन करते हैं तो देखो क्या होता है। यहाँ पर क्या हुआ है, सेलेक्ट नेक्स्ट वैल्यू, ये सब तो ठीक है, इधर क्या हो गया देखें ज़रा। तो यहाँ पर 0-0 आ गया है बाय डिफ़ॉल्ट, अच्छा ठीक है। तो अभी यहाँ पर तुम और क्या क्या कर सकते हो, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, देखो तुम जो है यहाँ पर काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। इसमें तुम यूनिक कर सकते हो, जैसे यूनिक इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो अब क्या है कि सारा रिकॉर्ड जो है वो ये कॉलम यूनिक होना चाहिए, मतलब अब दो लोगों की सेम सैलरी नहीं हो सकती होगी, आई गेस यही होगा, कुछ एरर वगैरह आएगी। एक बार इसको चला के देखते हैं, तो दोनों की सैलरी मान लो 20,000 है, देखो आ गई एरर, ठीक है। डुप्लीकेट एंट्री 20,000, मतलब कुड नॉट एग्जीक्यूट डुप्लीकेट एंट्री 20,000, मतलब ये जो एंट्री है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो है इधर यूनिक लगा दिया ट्रू, तो इसका मतलब कि अब हमें दोनों की सैलरी जो है वो डिफरेंस रखनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर एक डिफरेंस दे दिया इस तरीके से। अब हम इसको दोबारा रन करेंगे अगर, तो तुम देख सकते हो कि रिकॉर्ड हमारा जो है वो सेव हो जाएगा, सेव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। अब इसके अलावा और कौन कौन से यहाँ पर एनोटेशन बाकी हैं, ऐट द रेट मान लो ट्रांजिएंट देख लेते हैं। अब ऐट द रेट ट्रांजिएंट का यूज़ क्या है, हमने लेट सपोज यहाँ लिख दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हॉबी, ठीक है, स्ट्रिंग हॉबी, और यहाँ पर कॉलम का नाम दे दिया स्टूडेंट हॉबी, स्टूडेंट हॉबी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को कंस्ट्रक्टर और वो सब चीज़ें दोबारा डालनी पड़ेंगी, जनरेट करनी पड़ेंगी। तो सोर्स में जाएंगे, सबसे पहले गेटर एंड सेटर मेथड्स, सेलेक्ट ऑल, जनरेट, उसके बाद सोर्स में जाएंगे, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, जनरेट, उसके बाद हमें टू स्ट्रिंग ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे ही सेव करते हैं तो क्या होता है, मतलब हमने अभी हॉबी की वैल्यू से नहीं सेट करी है, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी हॉबी में कुछ नहीं आया है, ठीक है, वो खाली एंट्री वहाँ पर होगी अभी उसकी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, अच्छा स्टूडेंट हॉबी, तो स्टूडेंट सेल, यहाँ पर इसको, हाँ स्टूडेंट हॉबी ये आ गया कॉलम, लेकिन अभी ये एंट्री इसकी खाली है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से डेटा जो है वो इंसर्ट नहीं किया है। अब हम चाहते हैं कि ये कॉलम क्रिएट ना हो, तो हम यहाँ पर लगा देंगे ऐट द रेट ट्रांजिएंट, ये हम हटा देंगे इसको,
या इसको लगा रहने देंगे तो इसको ऐट द रेट ट्रांजियंट लगा देंगे। अब अगर इसको हम दोबारा रन करेंगे अपने प्रोग्राम को तो वो हमारा कॉलम जो है वो अब नहीं क्रिएट हुआ होगा। तो अब अगर इसको हम दोबारा देखते हैं तो स्टूडेंट हॉबी हमारा कॉलम अभी भी पड़ा हुआ है इधर, स्टूडेंट हॉबी हमारा देखो जा चुका है, ठीक है। तो अब क्या है, स्टूडेंट हॉबी हमारा नहीं सेव हो रहा है। और यहाँ से अगर हम लेट सपोज़ स्टूडेंट हॉबी सेव भी करेंगे वो तब भी जो है वैल्यू उसकी सेट नहीं करेगा। ये देखो स्टूडेंट टू, यहाँ पर हमने लिख दिया PS2। अब इसको अगर हम दोबारा रन करते हैं तो तुम देखोगे यहाँ पर इसका रिकॉर्ड जो है फिर भी सेव नहीं हुआ होगा। तो अभी हम इसको दोबारा रन करा हमने, यहाँ पर अगर हम आके डेटाबेस में देखेंगे तो उसके बाद भी जो है इसकी वैल्यू अभी सेव नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ऐट द रेट ट्रांजियंट लगा रखा है, ठीक है। तो हमारा ऐट द रेट ट्रांजियंट भी कवर हो गया। ऐट द रेट टम्पोरल क्या है, वो डेट के लिए होता है। ये हम सब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ से आने वाले जितने भी वो हैं एनोटेशंस लाइन नंबर 8 और 7 के बाद से। तो आई होप आज को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।